اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد काबिल कदर ओलमा करमेदार ने जमात व जमीयत मोहतरा महाजरीन और इस्लामी खवान् नबी सलील वसलम के ताल्लुक से काफ़ी मुफीद तकारीर आपने सुनीा से उन्हाय खैर दे काफ़ी गोशों पर रोशनी डाली गई है और मुझे कुछ मुख्तर बातें उसी तल्लु से आपके सामने रखनी हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है जिसको हम सीरत सरत नबी कहते हैं सीरत से ताबीर करते हैं यकीनन आपकी सरत उसका पढ़ना उसका जानना उसके ताल्लुक से बार बार सुनते रहना और मुख्तलिफ गोशों का इदराक करना ये हर मुसलमान की मर्द और, और औरत की जिम्मेदारियाँ हैं ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकादा भी है अल्लाह ने क़ुरान मजीद में वामा अरसल मसूलिन्यबिदिन हमने जो भी रसूल भेजा तो वो इसीलिए भेजा ताकि अल्लाह के हुक्म से उनकी इतात की जाए उनकी फरमाबरदारी की जाए तो नबियों का मबूस किया जाना ये इतात के गर्ज़ से होता है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात उसी वक्त कर पाएंगे जब आपको आपके फरमीन का इल्म होगा आपके अकवाल का इल्म होगा आपके अफ़ाल का इल्म होगा आपके हालत ज़िंदगी का इल्म होगा तभी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही माने में इताद और फरमाबरदारी कर पाएंगे और फिर अल्लाह ताला ने आपकी इताद का हमें हुक्म भी दिया है जैसे अल्ला ने फरमाया हुआ और रसूलरम कि तुम रसूल रसूल की इतात करो ताकि तुम पर रहम किया जाए और फरमाए वमा वमा आता कुमर रसूल फखदु वमा नहा कुम मानू फंनता रसूल रसूल करीम सल्ला वसम जो तुम्हें दें जो शरीयत तुम्हें दें जो अहकाम तुम्हें बताएँ और जो फ़्रामीन आपके आप तक पहुँचें तो आप उसको अपना लो इख्तियार करो उस पर अमल करो वमांहा को मानू और जिसे आपने मना किया है रोका है आ, उस, उसे रुक जाओ तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतहात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी आपकी पैदाइश से लेकर आपकी वफात तक पूरी ज़िंदगी उसका एक एक गोशा हमारे लिए उसमें नमूना है हमारे उसमें हमारे लिए उसमें सबक है और नबी करीमलम की ज़ात और सीरत हमारे लिए हर सतह पर वो आइडियल और नमूना है चाहे हम हम में से बच्चे हों या नौजवान हों या बूढ़े हों मर्द हो या औरतें हों सब के लिए उस पर नमूना है नबी करीम सलील वम के पैदाइश का वक्त वो ज़माना याद कीजिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का वक्त था तो अरब की हालत नाकबिल गुफ्ता थी ओ जालत सरेआम बोला करता था और इल्म की और हिदायत की कोई हिदायत का कोई अता पता नहीं था ऐसे ज़माने में जहाँ जहालत थी गुमराही थी हर किस्म की बुराइयाँ आम थी ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया और जब आप आपका बचपना वो हमारे छोटे बच्चों के लिए वालदान के लिए उसमें ये सबक है कि नबी करीम अलैहि वसम की परवरिश आपका बचपना और बचपन की जो ज़िंदगी है वो हमारे अपने हमारे बच्चों की तरह नाजो नाम में पलने वाली ज़िंदगी नहीं थी बल्कि वह जफाकशी और अपनी अखलाक़ी और रूहानी और जिस्मानी क़वतों की तामीर से भरपूर थी कि अल्लाह के नबी सलील वसम को पैदा होने के बाद जब वो शिरखारी की उम्र में थे आपको मक्के से बनोसात हलीमा सादिया के पास भेज दिया गया कि वो वहाँ मक्के की जो शहरी ज़िंदगी है आपसे उठा कर वहाँ से उठा कर आपको देहात में मुंतकिल किया गया इस गर्ज से कि आप देहात की ज़िंदगी में जो देहात में जो खुला खुली फ़जा है खुला माहौल है उसके साथ वहाँ जो जफाकशी है वो आपकी फ़ितरत में आए और आपकी जिस्मानी क़वतें मुकम्मल हों और आपकी रूहानी तरबियत भी हो और आपकी अखलाकी तरबियत भी हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह अल्ला तबारक दाव, अल्ला ताली ने इस तरबियत के लिए ऐसा इंतज़ाम किया हमें भी इसमें यह इस सबक मिलता है कि हम अपने बच्चों को जहाँ मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें फ्राहम करते हैं वहाँ इस बात का ख्याल रखें कि उनकी अखलाकी तरबियत भी हो उनकी रूहानी तरबियत भी हो उनकी जिसमानी क़ोत की नशोनमुमा भी हो उसकी तकमील के लिए हम संजीदा बने और उसको बच्चों को बच्चों के अंदर ये तीनों चीज़ें पैदा करने के लिए हम संजीदगी से अमल करें और ये कोशिश करें कि ऐसे माहौल से अपने बच्चों को दूर रखें जो माहौल उनके अखलाक को बिगाड़ने वाले हों उनके आ, उनकी रूहानियत को फना करने वाले हों या उनकी जिस्मानी कमज़ोरी का बाइस बनते हों जिस तरीके से नबी करीम वसल्लम को मक्के से बनुसाद ले जाया गया शहर से देहात मुंतकिल किया गया बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में सोचना होगा और फिर जब नबी करीम जवान हुए तो जवानी की उम्र आपकी जवानी की उम्र हमारे नौजवानों की तरह लापरवाही से मनुन नहीं, ला, ला नहीं थी उसमें लापरवाही नहीं थी उसमें बेजा तसरफ नहीं था या कि लाहौल लाइब में मशगूल ज़िंदगी नहीं थी बल्कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाकिज़ा ज़िंदगी थी तहारत वाली जिंदगी थी और औरत और पागदामनी की ज़िंदगी थी कि लोग आपको आपकी कौम के लोग नौजवानी में आपको साद और अमीन के नाम से जानते थे हमारे नौजवानों के लिए इसमें सबक है कि नौजवान अपनी नौजवानी को पाकिजा बनाएं तहारत वाली तहारत वाली नौजवानी बनाएं अपनी नजरों की हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अब एक पाक पाकिजा माहौल बनाने में वो कौम की और माशरे की मदद करें जिस तरीके से नबी करीम अलैहि वसल्लम की नौजवानी पाकिजगी से ताबीर थी पाक दामनी से ताबीर थी बिल्कुल उसी तरीके से जिंदगी बनाने की हमको कोशिश करनी चाहिए और नौजवानों के लिए यह भी सबक है नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जवानी में कि आप नौजवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आपने अपने लिए कस्बे हलाल के रास्ते तलाश किए बेरोज़गारी को नहीं अपनाया सुस्ती और काहिली को आपने नहीं अपनाया जैसा कि आज हम अपने नौजवानों के सिलसिले में रो रोना रोते हैं कि वो बेरोज़गार हैं उनके पास कोई जरिया आमदनी नहीं है वो अब माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं घर वालों पर बोझ बने हुए हैं जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानी की दहलीज में कदम रखते ही आपने कसब हलाल को अपना तरीक़ा अपना वजीफ़ा बनाया चुनान आप अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम तिजारत की गर्ज़े गए और जब उसके बाद जब वापस लौट कर आए तो आपने मक्के वालों की बकरियाँ चराईं और उसके बाद फिर आप खदीजा के माल को खदीजा रजील्ला के माल को लेकर दोबारा तजारत की गर्ज से फिर शाह मुल्क शाम गए तो ये आपका कारोबार में मशगूल रहना अपने आप को फाजिल या बेकार और आ, जो है कारोबार से दूर रखना यह आपके मिजाज में नहीं था लिहाज़ा हमको भी हमारे नौजवानों को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपनी नौजवानी को बेकारी में ना गुजारें फजूल अवात में ना गुजारें बल्कि उसको कार आमद बनाएँ उसको अपने घर वालों के लिए अपने माशरे के लिए अपनी कौम के लिए अपने मुल्क के लिए उसको कार आमद बनाने की कोशिश करें कौम के लिए फ़ायदा मंद बने जिस तरीके से नबी करीमल वम की ज़िंदगी आपकी जवानी थी आपने अपने ज़माने में नौजवानी के ज़माने में जो जंग पेश आई थी उस जंग में भी आपने हिस्सा लिया आप अपने चचा वगैरह का का, का हाथ बताया करते थे उनको नेज़े बना बना कर दिया करते थे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजवानी का के दौर का किरदार है तो लिहाजा नौजवानी को नौजवानों को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मताल करें सीरत का मताल करें यकीन ये नबी करीम करीमलम की सीरत का मताल इंसान को नबी करीम सल्ला वल् से करीब करता है आपकी मोहब्बत दिल में पैदा करता है और जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना और इतवा करना और आपके बताए हुए रास्ते पर चलना आसान हो जाता है तो इसलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मुख्तिफ़ावियों का जायज़ा लेना चाहिए पढ़ना चाहिए समझना चाहिए आप बेटे भी थे आप अपनी माँ से मोहब्बत करते थे अबू अबूर्रा की रिवायत में है कि आप अपनी माँ की कब्र पर गए और आप वहाँ जारो किदार रोने लगे दूसरे लोग भी आपका रोना देख कर रोकने रोने लगे तो फिर आपने अल्लाह ताला से अपनी माँ के लिए मगफरत की इजाज़त मांगी आपको इजाज़त नहीं दी गई तो आपने उनकी खबर की ज़ियारत की इजाज़त तलब की तो वो आपको आपकी माँ की खबर की ज़्यारत की इजाज़त दी गई तो इसमें न, अवलाद के लिए बच्चों के लिए ये सबक है कि वो अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करें इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजायमा हलीमा सादिया के साथ हुसन सलूक किया करते थे एक मरतबा जब खास साली की वजह से मदद की मदद तरफ करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के नबी ने खदीजा रजील्ला से बात की और कुछ ऊँट वगैरह देकर कुछ बकरियाँ वगैरह देकर उनको उनकी मदद फरमाई तो ये एहसान है यह हुसन सलूक है अपने वालद के साथ तो ये नौजवानों को ये सीखने की चीज़ें हैं कि वालद के साथ कैसे हुसन सलूक से पेश आए और कैसे उनके साथ मामला करें तो यह मुख्तलिफ और गोशे हैं आप भाई भी थे बहनों के साथ उसने सलूक करते थे आप वालिद भी थे अपने बच्चों के साथ अपनी बेटियों के साथ फातिमा के साथ आप आपने सलूक किया करते थे तो आप रिश्तेदार भी थे अपने रिश्तेदारों के साथ आपने हुसने सलूक किया है तो मुख्तलिफ आपके जिंदगी के पहलू हैं इन पहलुओं को उजागर करने समझने और पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हमें वो किरदार नजर आए जिस किरदार को हम अपना कर नबी करीम सल्ला वसलम का उसवा इख्तियार कर सके अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताली हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी तरमाए वाखिरदाना अलहमदिल्ल रबालमी रहमतुल्लाहि व बरकातहू